मेरी 50 साल पुरानी दोस्ती थी। राहुल रवेल ने एक फिल्म बनाई थी गुनाहगार, उसमें मैंने काम किया था और उसमें ये असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। और उस जमाने में ये पेंटर साहब के भाई के लिए जाने जाते थे। पेंटर साहब के भाई क्या हुआ? थोड़ा चलिए एक और ले लीजिए, शुरू कर लीजिए। रखो यार समीर। हाँ, गुफी से मेरी दोस्ती 50 साल पुरानी है। राहुल रवेल ने एक फिल्म बनाई थी गुनाहगार, उसमें ये असिस्टेंट थे। उसके बाद रवेल साहब ने लैला मजनू बनाई, उसमें ये प्रोडक्शन देख रहे थे। काफ़ी सालों से ये बतौर कलाकार जदोजहद परिश्रम कर रहे थे, कोई रास्ता मिल नहीं रहा था इन्हें। इनकी इच्छा तो कलाकार ही बनने की थी, लेकिन जब इनकी वाबस्तगी बीआर फिल्म से हुई, बीआर फिल्म के ये कास्टिंग डायरेक्टर हुए, तो वहाँ उन्हें ये किरदार मिला। और ये किरदार नहीं है, ये अपने आप में एक इतिहास है। जिस तरीके से महाभारत सीरियल, उसका कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता, वो अपने आप में एक संगे मील है, वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। 96% TRP तो आज आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता। सड़कें सुनसान हो जाती थी, हर चीज़ जो है रुक जाती थी और ऐसा लगता था कि पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगाया जाए महाभारत फिल्म। और जो शकुनी मामा का किरदार है वो तो एक यादगार है, वो एक तारीख बन गया है। वो उसे सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जा चुका है, वो कभी कोई भूल सकता नहीं है। वो एक ऐसा किरदार उन्होंने निभाया है, आज भी इतने साल हो गए, जिस तरीके से लोग गब्बर सिंह को आज तक नहीं भूले, जिस तरीके से लोग आज तक मुगैम्बो को नहीं भूले, इसी तरीके से लोग शकुनी मामा को याद करते हैं। और 3 साल पहले प्ले हुआ था महाभारत का, जो मैं दिल्ली देखने गया था, और इनकी एंट्री पे जो तालियां बजी थी, जो शोर हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कोई रॉक स्टार, कोई सुपर स्टार आ गया। तो लोगों के जहनों में आज भी ये किरदार जो है इनका जिंदा रहा। देखिए, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। कुछ लोग 100 फिल्में करते हैं, 200 फिल्में करते हैं, तभी भी अपनी पहचान नहीं बना पाते। इन्होंने तो एक किरदार करके ना सिर्फ अपनी पहचान बनाई, जो उनका एक 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 मखसूस अंदाज था बात करने का, आंखें घुमाने का, बॉडी लैंग्वेज, वो किरदार जो है वो इतिहास हो गया है। तो कभी दर्शक उसे बुला नहीं पाएंगे। आप 400 फिल्में कर लें, आप 500 फिल्में कर लें और आप अपनी कोई जगह बनाना पाए, लेकिन एक किरदार करके एक इंसान 35 साल से ज़्यादा हो गए महाभारत को टेलीकास्ट में, आज भी बच्चे बच्चे की जबान पे, दर्शकों की जबान पे शकुनी मामा का नाम, तो आज वो हमारे बीच नहीं है, आज वो चले गए, लेकिन जो उनका किया हुआ काम है, जो उनका किया हुआ एक किरदार है, वो सारी जिंदगी ता कयामत जो है वो फरामोश नहीं।